उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी सेहत पर दुनिया भर की फैली अफवाह के बीच अब उनकी बहन किम यो जोंग सबकी नजरें इन्हीं पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि लोग किम जोंग की बहन को अब उनका उत्तराधिकारी मान रहे हैं। 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग के एक कार्यक्रम में किम जोंग के शामिल नहीं हो जाने के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन दुनिया भर में किम की सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके गंभीर रूप से बीमार हो जाने के बाद मृत्यु को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। उत्तर कोरिया के मामलों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के एक अखबार के मुताबिक 12 अप्रैल को किम की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई, जिसके बाद उनकी हालत और खराब हो गई। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो सवाल उठता है, उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की जगह कौन लेगा? और सबकी नजरें किम की बहन किम यो जोंग का उन पर जाकर टिक जाती हैं। बता दें आपको, किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड से हुई। साल 2002 में वो अपने देश वापस लौट आई। वो पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं, प्रचार एवं आंदोलन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी। विशेषज्ञों का मानना है देश और विदेश में किम की सार्वजनिक छवि बनाने के पीछे उनकी बहन का ही दिमाग है। उन्हें किम जोंग की सीक्रेट डायरी कहा जाता है। माना जाता है कि वो अपने भाई को कर्म मुद्दों पर सलाह देती है और कई कामों में अपने भाई की भागीदारी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम जोंग उन की न्यूक्लियर समिट को भी उन्हीं का दिमाग बताया जाता है। साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में किम की बहन ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और बढ़ गई। किम उन पर बहुत भरोसा करते हैं। किम ने कथित राजद्रोह के लिए अपने चाचा को फांसी भी दी थी। आपको बता दें, बीते महीने किम यो जोंग ने अपना पहला पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उत्तर कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज पर दक्षिण कोरिया की ओर से विरोध जताए जाने पर किम की बहन ने कहा, भौंकने वाला डरा हुआ कुत्ता। मार्च में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की। तो अब फिलहाल हर किसी को ये लग रहा है कि किम के बाद उनकी बहन ही उत्तराधिकारी बनेंगी उत्तर कोरिया की। SPN9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।